हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे रियल नंबर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये मैं आपको हार्डली 10 एमसीक्यूज कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर से, और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में इस चैप्टर से मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और बाकी के चैप्टर्स के अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, फोल्डर सर्च करें, इंडिविजुअल चैप्टर के मैंने फोल्डर बना रखे हैं और उन्हीं चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर मैं शेयर करूँगा क्वेश्चन की इमेज को, आप लिख सकते हैं वहाँ से, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 के प्राइम फैक्टर में जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे उनके एक्सपोनेंट का सम पूछ रहा है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? ट्री डायग्राम से, दो से डिवाइड करिए, 2 9 = 18, 2 8 = 16। सर ये तो बहुत इजी है, तो इजी तो होता ही है भाई, फर्स्ट चैप्टर तो इजी होता है। कितना हो गया? 2 4 = 8, 2 9 = 16। अगला प्राइम नंबर 7 होगा, 7 से डिवाइड होगा ये, है ना। तो 196 के फैक्टर हो गए 2 × 7^2, है ना। प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट कौन कौन हो गए? 2 है और इसका भी कितना है? 2 है, तो इनका सम कितना आ गया? 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहले चैप्टर से तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एपीटी अड्डा चैनल के साथ बने रहें। बाकी के क्वेश्चन को भी लगाइए, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके एमसीक्यूज भी लगाइए आप। इसके एंड स्क्रीन पर मैं लगाऊंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, है ना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो कितने फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर? तो देखते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं इसके, 5 से ले लीजिए आप, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 बन जा। 7 से देखिए, 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 4 = 28 और 7 3 = 21। अब ये 11 से देखिए, 11 से डिवाइड होगा, 11 1 = 11 3 = 11, अब ये प्राइम नंबर्स आ गए। तो 5005 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 5 × 7 × 11 × 13। तो इसमें पूछा है उसने कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, तो कितने प्राइम फैक्टर है? 1 2 3 4। तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहले अपने को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, है ना। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया बताइए ज़रा? 4 होता है। पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। अब उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एक रूल होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए इंटू बी के। तो यहाँ पर ए कौन है? 2 है, और बी कौन है? 4 है। तो इनका एच सी एफ एल सी एम निकाल के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये रूल होता है नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो ये कितना हो गया? 2 × 4 4 2 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टिणी टिणी देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर इफ पी इज, पी क्या होना चाहिए? तो पी इसमें ऑप्शन है 2 4 9
और 16, तो यहाँ पर पी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि रूट 2 कैसा नंबर होता है एयरनेस में, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर का जो अंडर रूट होता है ना, किसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। बाकी का ऑप्शन अगर मैं रख के देखूँ तो देखिए 4 रखूँगा तो 2 आ जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा, है ना, और अगर मैं 9 रखूँगा तो 3 आ जाएगा, ये भी रैशनल होगा, 16 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये भी रैशनल होगा, है ना, तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2 आएगा आंसर, आंसर कितना आएगा, 2। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटन एज, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है x³y² और बी की वैल्यू कितनी है xy³। अब यहाँ पर x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, और अगर xy प्राइम है तो इसी फॉर्म में ही लिखे जाएंगे वो। ओके, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय LCM, प्रोडक्ट ऑफ a इनटू b डिवाइड बाय LCM, तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, HCF की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है HCF की। तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन को बड़ा घुमा के पूछा है, क्या पूछा है कि then the result obtained by dividing the product of positive integer by LCM, है ना, तो इसका मतलब क्या पूछा है उसने, HCF पूछा है, तो इसका HCF बता दीजिए। HCF क्या होता है, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, तो कौन हो गया ये, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, तो ये हो गया x और ये कितना हो गया y², तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए ए कितना है x³y² और यह है बी xy², इनका LCM बताओ, LCM क्या होता है x³, है ना, जो भी नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर y³, तो यहाँ डिवाइड कर दो किससे, x³y³ से, x³ से x³ y³ से y³, तो कितना बचेगा xy², तो देखिए वही आंसर आ रहा है xy², राइट, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें, 5 हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी से आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है इस चैप्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि द HCF ऑफ 210 एंड 55 है ना इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 × 5 प्लस 55y, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इनका HCF इस फॉर्म में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है, तो इनका HCF निकाल के इसके बराबर रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, 210 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 57 जा, तो कितना आएगा 2357, और ये हो जाएगा 5 × 11, क्योंकि 11 5 सा 55, तो इनका HCF किसके बराबर आएगा, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, तो 5 आएगा, ये किसके बराबर रख दीजिए, 5 के बराबर, तो ये हो गया 0 5 1 5 5 2 10 प्लस 55y = 5, तो 55y = 5 -1050। ये जो HCF आया ना वो इस फॉर्म में लिख दिया गया है, तो इसको HCF के बराबर रखकर और क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो बताइए कितना आएगा, माइनस का 1045 आएगा, तो y = माइनस का 1045/55, 11 9 11 5 11 5 5 19 19 55, तो माइनस का 19, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए पढ़ाओ इसे, आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसमें कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर 5 - √3, दूसरा ऑप्शन है √2 + √5, और अगला है 4 + √2, और लास्ट ऑप्शन है आपका
6 प्लस रूट 9, इसमें कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? तो ये तो इरेशनल है क्योंकि रूट 3 है यहाँ पर, यह रूट 2 रूट 5 है, ये भी क्या है? इरेशनल है। रैशनल में इरेशनल जोड़ते हैं तब भी क्या होता है? इरेशनल। लेकिन ये इरेशनल नहीं है क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 इज़ अ रैशनल नंबर है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। उसने पूछा है कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये नहीं है इरेशनल, राइट। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 280 और 674। ये क्वेश्चन देखिए दिखने में इजी है लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज कर सकता है? अब जरा आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाइए क्योंकि अपने को इसका HCF बताना है। तो देखिए 280 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, राइट। बताइए क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, राइट। अब जरा 674 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 7। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 337 किससे कटेगा, 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 7 से करेंगे, है ना। ये याद रखना ये प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 337 इज़ अ प्राइम नंबर। आगे ये फैक्टर नहीं होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाला है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 337। ये कन्फ्यूज कर सकता है बच्चों को, है ना, क्योंकि अब टाइम वेस्ट होगा इसमें बच्चों का, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम यही खा जाएगा कि पता नहीं ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन नंबर की लीस्ट पावर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि HCF ऑफ ए एंड बी इज 12। HCF ऑफ ए और बी कितना है? 12। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना है? 1800। देन फाइंड द LCM। तो फॉर्मूला भी बताया था मैंने। LCM इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी अपॉन HCF, क्योंकि HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? ए बी के बराबर। तो ये हो गया 1800 अपॉन कितना हो गया? 12। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT के अंदर भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। काट दीजिए 12 से, 12 बन जा, 12 फाइव जा 150 आएगा ये। इसका आंसर कितना आएगा? 150। सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? द HCF ऑफ ए कॉमा 8 इक्वल टू कितना है? 4। और इनका LCM कितना है सेम नंबर्स का? ए कॉमा 8 का कितना? 24। ए की वैल्यू बतानी है तो रूल लगा दो, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? HCF इंटू LCM अपॉन बी। तो HCF आपका 4, LCM है 24, ए इधर है, बी की वैल्यू कितनी है? 8 8 3 जा, तो कितना आ जाएगा? 12 आंसर आएगा। कितना आएगा? 12। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। सारे क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं, ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं। बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें।